हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूलिप्स टिप्स फॉर यू। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने गार्डनिंग के कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक एलोवेरा का प्लांट है जो कि मैंने बेडरूम में लगा रखा है। एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट है और इसको हम बेडरूम में आराम से लगा सकते हैं, अच्छा ग्रो होता है, बशर्ते कि ये खिड़की के पास हो। पास में कोई खिड़की हो तो इसमें अच्छी ग्रोथ होती है, ताकि ये लाइट अच्छे से ले सकें। अब आप देख लीजिए, इसको मैंने लगाया किस में है। मैंने बनाया है ये एक ब्यूटीफुल सा फेस प्लांटर, बिल्कुल छोटा सा, जो घड़ी के जो बॉक्सेज आते हैं उनमें ये निकला था, हाथ की जो घड़ी कोई गिफ्ट लेके आया और उसमें ये डिब्बा निकला था। तो मैंने सोचा इनको गार्डन के कामों में कहाँ कैसे यूज़ करें। इसका ब्लैक कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ वाइट कलर की यहाँ पे ये आइज बनानी है अपने को कलर्स से, और साथ में कोई भी बोटल्स जो होती है ऑयल की या पानी की, उन बोटल्स की जो कैप होती है उसको हमें उल्टा चिपकाना है क्यूफिक्स की हेल्प से, ही आप देख सकते हैं। और सुंदर सा ब्यूटीफुल सा प्लांटर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 3-4 महीने पहले इसमें छोटा सा बेबी प्लांट लगाया था एलोवेरा का, और उसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की। और ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से बेबी प्लांट और भी निकल गए हैं और ये अब बहुत अच्छी ग्रोथ इसने कर ली है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा ये प्लांटर है जो कि मेरे बेडरूम की शोभा बढ़ाता है। साथ ही मैं आपको एक और इसका बेनिफिट बता दूं कि ये एयर प्योरीफाइड प्लांट है, जिसको आप आसानी से बेडरूम में लगा सकते हो जहाँ पे अच्छी लाइट आती हो, और ये बहुत खूबसूरत आपके बेडरूम को लुक देगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से छोटे छोटे से ब्यूटीफुल फेस प्लांटर बना सकते हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास छोटा बॉक्स है तो आप उसमें इस तरीके का प्लांट लगाइए जो ऊपर की तरफ ग्रो करे, नीचे की तरफ नहीं आए, वरना तो पूरा फेस इसका छिप जाएगा और प्लांटर अपना बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, या तो आप एलोवेरा लगाइए या इसमें स्नेक प्लांट यानी कि सेंसेवेरिया की जो ड्वार्फ वेराइटी आती है वो आप इसमें चूज कर सकते हो। तो देखिए, ये इसने मतलब मैं कहूँगी कि हद से ज़्यादा ही इसने ग्रोथ कर ली है इतने छोटे से प्लांट में। देखिए, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा प्लांट है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और रही बात फ्रेंड्स पे, एक बात बताना आपको भूल गई कि इसमें अपन खाद कैसे दें। तो इसमें आपको खाद सीधी नहीं दी जाएगी, तो आप पानी में घोल करके, जैसे काउडंग कंपोस्ट अगर आपको देना हो तो पानी में आप घोल करके उसको रात भर रखिए और दूसरे दिन वो पानी इसमें आप दे सकते हो। और नीचे इसमें बनाया है मैंने ये देखिए ड्रेनेज होल, ताकि एक्स्ट्रा जो वाटर है वो निकल जाए और अच्छा सा जो अपना प्लांट है वो चलता रहे। तो फ्रेंड्स, आप भी इन सब बातों का ख्याल रखिए और अपने लिए ब्यूटीफुल सा प्लांटर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।